हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंथोसिरोस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। जो डिवीजन होता है वो होता है ब्रायोफाइटा। क्लास जो होता है वो होता है एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथ्रोसिरोटेल्स, फैमिली एंथ्रोसिरोटेसी, और जो जीनस होता है वो एंथ्रोसिरोस होता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 200 स्पीसीज जो है एंथ्रोसिरोस के प्रेजेंट है। उसमें से 25 स्पीसीज जो है वो इंडिया में रिकॉर्डेड है। ये नॉर्मली टेम्परेट और ट्रॉपिकल्स रीजन्स में पाए जाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं मॉइस्ट प्लेसेस में, सैडी प्लेसेस में, और क्ले बैंक और डीचेस पे ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, स्मॉल होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है, और डार्क ग्रीन कलर्स का अपीयर्स होता है। जो थैलस होता है इसमें ब्रांच होते हैं, तो ब्रांचेस जो होते हैं वो डाइकोटोमसली लोबेट होते हैं। ये इसमें कोई भी मिड रिब जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मिड रिब जो होता है वो थैलस का पार्ट होता है, और इसमें जो इसका लेयर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, थिक होता है। थैलस जो होता है, जो डॉर्सल सरफेस होता है थैलस का, वो स्मूथ होता है या फिर रफ भी होता है। जो और जो लोअर वेंट्रल सरफेस होता है वो न्यूमरस राइजॉइड्स को बियर करते रहते हैं, और हमें इसमें क्या होता है, स्मूथ वाल टाइप्स के राइजॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर है, ऊपर नॉर्मली क्या है, स्पोरोफाइट्स होते हैं जो कि डार्क ग्रीन कलर्स के होते हैं, नीचे थैलस होते हैं जो कि थिक्स होते हैं, और इसमें जो है राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मूथ टाइप्स के होते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो इसमें बहुत ही लिटिल या फिर नो डिफ्रेंसिएशंस पाए जाते हैं। जो थैलस होते हैं ये यूनिफॉर्म्स होते हैं, थिन वाल पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं, और इसमें जो सेल्स होते हैं मिडिल में वो थोड़ा सा डीप होते हैं, और हर एक सेल जो होता है थैलस का वो सिंगल होते हैं, ओवल्स होते हैं, फ्लैटेड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं, और सेंट्रल में पेरेन्वायर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ में उसमें कुछ ग्रीन एल्गी भी जो होते हैं उसमें सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है नियर क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, और इसमें कोई भी एयर चैम्बर प्रेजेंट्स नहीं होता, यानी कि पोर्स जो है वो टिश्यू में या फिर थैलस में अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अपर के पार्ट को हम लोग अपर इपिडर्मिस कहते हैं। बीच में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं, इसमें कोई भी एयर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिसमें कि फूड मटेरियल स्टोरेज होकर रखे रहते हैं। नीचे लोअर इपिडर्मिस होते हैं, उसमें आपका जो एल्गल कॉलोनी नॉस्टाक वगैरह जो होते हैं इसी सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ टाइप्स के पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो है एंथोसिरोस में दो टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, जो ओल्डर पार्ट होता है प्लांट का वो डेड और डीके करते हैं, और उसके जो ब्रांचेस होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल ब्रांच क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बाय ट्यूबर, इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल्स कंडीशन में जो थैलस होते हैं प्लांट्स के वो एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं थैलस के वो डेड कर जाते हैं, बट ट्यूबर जो होता है वो लाइव होते हैं। जैसे ही फेवरेबल्स कंडीशन रिटर्न होते हैं वैसे ही क्या करते हैं, एक ये न्यू थैलस को जर्मिनेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एंथ्रोसिरोस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोसियस टाइप्स के भी होते हैं, डाइसियस टाइप्स के भी होते हैं। मोनोसियस यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है सेम प्लांट पे पाए जाएंगे। डाइसियस मीन्स जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट्स पार्ट पे पाए जाएंगे। एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया दोनों जो है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस के प्रेजेंट होते हैं। एंथीरिडियम जो होता है मैच्योर एंथीरिडियम वो शो करता है मोर और लेस सिलेंड्रिकल स्टार, और वो क्या होते हैं, कप सेप्ट में जैकेट को बियरिंग किए रहते हैं। ये एक या उससे अधिक लेयर से फॉर्म होते हैं, और साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, एंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो जैकेट होते हैं वो कंटेन किए होते हैं प्लास्टिड, और वो डेवलप करते हैं क्लोरोफिल्स को। जब एंथीरिडियम मैच्योर्स हो जाते हैं तो वो ग्रीन कलर्स के अपीयर्स होते हैं। जो एंड्रोसाइट्स होते हैं वो बायोफ्लैजिलेट्स एंथ्रोजॉयर्स होते फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे एंथ्रोजॉयर्स का फॉर्मेशन होता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा।
जब एंथीरिडियम फुली मैच्योर हो जाता है, जो एंथीरिडियल चैम्बर होता है वो ब्रेक डाउन करता है इरेगुलर शेप में, और जो एंथीरिडियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे ही वाटर अवेलेबल्स होता है, जो एंथीरिडियम होता है मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से एंथ्रोजॉइट्स जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं ब्रेक डाउन करके। स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है ये जैकेट सेल्स है और ये एंथीरिडियल चैम्बर है, ये ब्रेक डाउन होता है जैसे ही मैच्योर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या होता है ब्रेक डाउन करता है, और जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो फ्रीली क्या होते हैं एनवायरमेंट में मूव करने लगते हैं। आर्चिगोनियम जो होते हैं वो सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं थैलस के वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये मैच्योर आर्चिगोनियम जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो नेक कैनाल सेल जो कि 4 से 6 होते हैं, और वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग सेल। ऊपर का जो पार्ट होता है वो नेक कैनाल सेल्स होता है, बीच में जो होता है वेंट्रल कैनाल सेल होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है वो एग सेल होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब एंथीरिडियल चैम्बर ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से जो एंथीरिडिया होता है वो बाहर निकलता है। साथ में आर्चिगोनियम में क्या होता है, जो नेक कैनाल सेल होता है और वेंट्रल कैनाल सेल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं और एक म्यूसिलेजिनस सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि एंथ्रोजॉइट्स वहाँ पे चिपकता है और एग सेल के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट का फॉर्मेशन होते ही वो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में चला जाता है, तो जो एक मैच्योर स्पोरोफाइट्स होता है वो शो करता है एक बल्बस फूट स्ट्रक्चर को, जो कि लोअर मोस्ट सेल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट्स होते हैं, जिसे कि हाउस्टोरियल भी कहते हैं। फूट की एवक जो होता है वहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट्स होता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप्स में होते हैं और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। बीच का जो पार्ट्स होता है कैप्सूल का उसको इवोकुलर कहते हैं, जो कि कुछ हाइट में होता है, सर्टेन हाइट में होता है। इसका जो फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करता है स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पोरेंजिया को। जो कैप्सूल होता है और फूट जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सीटा जो होता है वो अब्सेंट होता है, तो इनके बीच में एक शॉर्ट इंटरमीडिएट जोन्स होता है जिसे कि मेरिस्टमैटिक सेल्स कहते हैं, और ये क्या होता है रीजेनरेटिंग कैप्सूल फ्रॉम द बेस होते हैं। सेंटर में जो कैप्सूल होता है उसके बीच में कॉलुमेला प्रेजेंट्स होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसमें जो भी स्पोर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करके बाहर निकलते हैं। आउटर मोस्ट जैकेट्स होता है, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इपीडर्मिस सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं, साथ में पेरेन्काइमेटस सेल्स फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो कॉलुमेला होते हैं वो नॉन रेगुलर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टेंडेंसी टूवर्ड्स इट। स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है कि नीचे का ये जो पार्ट है इसको मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं, और ये आउटर मोस्ट जो है जैकेट है जो कि आपका एपिडर्मिस, और इसमें क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस वगैरह जो है प्रेजेंट्स होते हैं। बीच में कॉलुमेला है जो कि फेवरेबल कंडीशन में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये स्वेल करते हैं, जो इसमें स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। नीचे का जो पार्ट है ये हमारा फूल जिसे कि हम लोग हाउस्टोरिया कहते हैं, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स मदर सेल, और यही क्या करते हैं बाद में लेटर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्यूडोलेटरल्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। बिटवीन जैकेट और कॉलुमेला क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल आर्चिस्पोरियल जोन्स होता है जहाँ पे डिफरेंशिएशन पाया जाता है मदर सेल्स और स्यूडोलेटरल्स के बीच में। यहाँ पे क्या होता है रेगुलर स्पोर्स और स्यूडोलेटरल्स जो उसके टॉप पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जो कैप्सूल होता है मैच्योर हो जाता है तो वो ब्लैक और ब्राउन कलर्स का अपीयर्स होते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल्स की बात करें तो एक मैच्योर जो थैलस है उसमें क्या होता है आर्चिगोनियम और एंथीरिडियम का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनियम में एक्सेल का फॉर्मेशन होता है, एंथीरिडियम में एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है, देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर करता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट जो होता है वो डेवलप करता है और स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन करता है। जो अपर पार्ट होता है वो कैप्सूल होता है, लोअर पार्ट जो होता है फूट होता है जो कि बल्बस होता है जिसे हाउस्टोरिया कहते हैं, वो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशंस वगैरह सबस्टेटम से। जो कैप्सूल्स होते हैं वहाँ पे स्पोर्स और स्यूडोलेटरल्स का फॉर्मेशन होता है, आउटर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और जो आउटर लेयरिंग होता है वो इपीडर्मल सेल्स का होता है।
बीच में मेरिस्टमेटिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैप्सूल को। कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो जहाँ पे मियोसिस डिवीजन अकर करता है, स्पोर टेट्राइड्स का फॉर्मेशन होता है और हर एक पार्टिकुलर स्पोर्स क्या करता है, जर्मिनेट करता है यंग थैलस, देन उसके बाद वो मैच्योर थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल एंथ्रोसीरस का ऐसे ही चलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।